प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की ईवीएस की बुक के फिफ्थ चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चों फूल ही फूल। तो आज हम फूलों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको पता ही है ना फूल कैसे होते हैं, आप पार्क में देखते हो। तो फूल कई तरह के होते हैं और रंग बिरंगे होते हैं, जैसे गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल, कमल का फूल आदि। बच्चों फूल हमारे कई काम आते हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है, सूरजमुखी का फूल कीट पतंगों का पेट भरता है तथा इनके बीजों से तेल भी निकलता है। कमल के फूल के डंडल व पुष्पाशन से सब्जी बनती है और फूल कई जीवों के जीवन का आधार होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मधुमक्खी फूलों के रस से शहद बनाती है। तो देखो बच्चों फूल हमारे कितने काम आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फूलों के बारे में। तो पाठ हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठिएगा। फूलों से बातचीत। खुशी आज बहुत ही खुश थी क्योंकि आज वो अपने पापा के साथ बगीचे गुलाब बाग में घूमने जा रही थी। उसने सोचा वहां जाने के लिए फूलों वाली फ्रॉक पहननी चाहिए। बगीचे में पहुंचते ही चारों तरफ फूल ही फूल देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हुई। सबसे पहले वह गुलाब की क्यारी के पास गई और फूल से पूछा, तुम कौन हो? तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे रंग बिरंगे फूलों के बारे में। तो गुलाब ने कहा, मैं गुलाब हूँ, मेरा रंग गुलाबी है, मैं खुशबू से भरपूर हूँ, मेरी पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है। बच्चों परफ्यूम होता है इत्र, ठीक है। तितली, भंवरे, मधुमक्खियां व कीट पतंगे मेरा रस चूसकर अपना पेट भरते हैं। खुशी उछल उछल कर गुलाब पर बैठी तितली के पीछे दौड़ रही थी। तभी पीले फूलों की क्यारी देखकर वह रुक गई। खुशी ने फूल से पूछा, तुम कौन हो? तो बच्चों सूरजमुखी का जो फूल होता है वो पीले रंग का होता है और जब हमने ऊपर देखा था वो गुलाब का फूल था जो गुलाबी रंग का है, ठीक है बच्चों। अब सूरजमुखी ने कहा, मेरा नाम सूरजमुखी है, जैसे जैसे सूरज आसमान में आगे बढ़ता है मेरी डाली उसी तरफ मुड़ जाती है और मेरा मुख सूरज की ओर हो जाता है। मैं पीले रंग का हूँ, मैं कीट पतंगों का पेट भरता हूँ, मेरे बीजों से तेल बनता है। अरे वाह, तुम कितने सुंदर हो और सूर्य के साथ साथ मुड़ते भी हो। खुशी ने कहा, अच्छा सूरजमुखी मैं आगे जाकर और फूलों से बात करती हूँ। वह आगे बढ़ गई। अरे ये पानी में कितने सुंदर फूल तैर रहे हैं, फूल फूल तुम कौन हो? अब खुशी फूल से पूछती है। तो बच्चों किस फूल से पूछती है? वो कमल के फूल से, ठीक है बच्चों। जो कमल का फूल होता है वो पानी में खिलता है, ठीक है। तो कमल कहता है, मैं कमल का फूल हूँ, पानी में खिलता हूँ, मेरे पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे डंडल वह पुष्पासन से बहुत अच्छी सब्जी बनती है। अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हें अपने स्कूल में भी देखा है, तुम तो वही फूल हो जिस पर माँ सरस्वती विराजमान होती है। हाँ हाँ, वही कमल का फूल हूँ जिस पर माँ सरस्वती विराजमान रहती है। हाँ हाँ, कमल का फूल मुस्कुरा दिया। तो बच्चों हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि जो कमल का फूल होता है वो माँ सरस्वती पर के आगे रखकर उसकी पूजा की जाती है, ठीक है बच्चों। अभी हमने कमल का फूल देखा था। अब आपको बच्चों कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जैसे गुलाबी रंग के दो फूलों के नाम बताने हैं। तो बच्चों जो ये क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ पर हम ओनली चैप्टर को रीड करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी अच्छी है। खुशी आगे बढ़ रही थी तभी एक मधुमक्खी ने उसके पास आकर कहा, खुशी तुम तितली के पीछे तो दौड़ दौड़ कर खेल रही थी, मेरे साथ भी खेल लो ना। अरे भन भन की गुंजन करने वाली सखी, तुम कौन हो? खुशी ने मुस्कुराते हुए
पूछा मधुमक्खी से कि तुम कौन हो। तो बच्चों ये देखो, ये मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें शहद भरा हुआ है। आपने देखा होगा ना, पेड़ पर लटका होता है, ठीक है बच्चों, इसमें से शहद निकलता है, बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं। अब मधुमक्खी कहती है, मैं मधुमक्खी हूं, मैं शहद बनाती हूँ, मैं फूलों का रस चूस चूस कर अपने पेट में बनी छोटी थैली में भर लेती हूँ। मेरे पेट में इस रस से पतला शहद बनता है, तुमने मेरा छत्ता देखा होगा। हाँ, मेरे विद्यालय के पास बरगद के पेड़ पर एक बहुत बड़ा छत्ता है। खुशी ने कहा कि मेरे जो स्कूल में एक बरगद का पेड़ है, उस पर मधुमक्खी का बड़ा सारा छत्ता लगा हुआ है। मैं और अन्य मधुमक्खियां छत्ते में बने खानों में इस पतले शहद को उड़ेल देते हैं। हम इसे अपने भोजन के रूप में एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इसे गाढ़ा बनाने के लिए अपने पंखों से हवा करते हैं। हमें सभी खानों में शहद भरने में महीनों लग जाते हैं। अरे वाह मधुमक्खी बहन, तुम हमें मीठा शहद देती हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन आ जाता है अब नीचे, कि अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। तो जैसा कि हमने बताया, फूल नहीं होते तो कीट पतंगों का पेट नहीं भरता ना। तो बच्चों मैंने यहाँ आप आपको बोलकर बता दिया है, तो इसका आंसर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आपको क्या करना है बच्चों, एक होमवर्क है आपके लिए। आप अपने आसपास मधुमक्खी के छत्तों को देखोगे और उसका एक सुंदर सा चित्र बनाओगे, ठीक है बच्चों? तो जो आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर फूल। इतने में खुशी के पापा ने आवाज लगाई, बेटा अब घर चलें। खुशी अपना अपने पापा के साथ वापस लौट रही थी कि एक क्यारी में जड़े हुए फूल को देखकर वो रुक गई। उस फूल को उठाकर पापा से पूछने लगी, पापा यह फूल किसने तोड़कर यहाँ फेंक दिया? बेटा इसे किसी ने नहीं तोड़ा है, ये तो खुद ही झड़ गया है। फूल का जीवन जरा सा होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। पुराने फूल झड़ते हैं और उनके स्थान पर नए फूल खिलते हैं। बेटा ये फूल हमारे बहुत काम के हैं। तो बच्चों आप बताइए, आपको पता है फूल क्या-क्या काम आते हैं? हाँ पिताजी, अब खुशी कहती है कि हाँ पिताजी, मंदिर के बाहर मालिन चाची फूलों से माला बनाती है, वे इन फूलों को बेचती भी हैं। पापा फूलों की दुनिया कितनी रंगीन और सुंदर है, मेरी फ्रॉक पर भी फूल हैं, पर्दों पर, दीवारों पर, सब जगह फूल के चित्र बने हुए होते हैं। ऐसी ही बातें करते करते खुशी घर पहुंच गई। तो बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर मालिन फूलों की माला बना रही है, ठीक है बच्चों? आपने भी देखा होगा मंदिर के बाहर मालन बैठती है और लोग मंदिर में फूलों की माला को चढ़ाते हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपने किन किन वस्तुओं पर, किन किन चीजों पर फूलों के चित्र देखे हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हो कि कप पर फूल का चित्र बना हुआ है, ठीक है? आपकी जो बेडशीट होगी, चद्दर होगी, उस पर फूल बने होते हैं, पर्दों पर बने होते हैं। तो आपको अपने घर में देखना है और देखने के बाद आपको बताना है कि आपने किन किन चीजों पर फूलों के चित्र देखे हैं। तो आपको उनका नाम लिखने हैं, अगर आप कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अगर आपको एक माला बनानी है तो आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा, इसका आंसर भी आप खुद सोचिए, ठीक है? अब आपको ये बताना है कि बाजार में फूल किस भाव से बेचे हुए खरीदे जाते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बच्चों हमने क्या सीखा, फूल कई तरह के होते हैं, फूल हमारे कई काम आते हैं, फूल कई जीवों के जीवन का आधार है, मधुमक्खियां शहद बनाती है। बच्चों आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपके आसपास कौन कौन से फूल लगे हुए हैं, और नीचे आप चित्र देख रहे हैं, आपको इन पर क्या करना है, फूल से इनको सजाना है, ठीक है? आप पहले इसकी ड्रॉइंग बनाइएगा, उसके ऊपर आप सुंदर सुंदर फूल बनाइएगा, ठीक है बच्चों?
अब हम पढ़ेंगे, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना सीखो। तो बच्चों आज हमने इस पार्ट को रीड किया है, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके रखिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।